तो गाइस आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिली वॉच एंड अर्न एप्लीकेशन के अकाउंट को किस तरह से डिलीट किया जाता है। आपने इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया, अपना नंबर आपने डाल दिया है, अपना जीमेल आईडी आपने यहाँ पर इंटर कर लिया है और आपका इस एप्लीकेशन में एक अकाउंट बन गया है और अब आप चाहते हो कि इस एप्लीकेशन का जो भी अकाउंट है उसे परमानेंटली यहाँ पर डिलीट करना चाहते हो। तो किस तरीके से किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको भी जानना तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस अकाउंट को डिलीट करने का आपका रीजन चाहे जो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, अगर आपने अकाउंट को डिलीट नहीं करते हो, ऐप को अनइंस्टॉल करके छोड़ देते हो, तो आपका जो भी डेटा है वो इस एप्लीकेशन के सर्वर में रहता है, इस एप्लीकेशन के पास रहता है। बाद में पता नहीं क्या इस एप्लीकेशन के साथ होने वाला है, ये एप्लीकेशन कोई यहाँ पर इलीगल काम करे, कुछ भी करे, तो यहाँ पर आपके डेटा का भी मिसयूज हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको अपने अकाउंट को जरूर से डिलीट करना होगा। डिलीट करने के बाद ही आप अपने इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे डिलीट किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, जिससे मैं सारा डिटेल मैं दिखा सकूँ। अभी आपको दोस्तों बगल में हमारा मोबाइल स्क्रीन दिख रहा होगा। तो इस तरह के अकाउंट को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हो जाता है आपको सिंपल उसको क्लिक कर देना। यहाँ पर आप देखो आपका प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, प्रोफाइल लिखा हुआ नीचे के साइड, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। अब आपको अपने अकाउंट को डिलीट करना है तो आप ऊपर देखोगे तीन ऐसे लाइन्स आपको मिलते हैं, तो इसी तीन लाइन्स पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। अब आपको अपने अकाउंट को डिलीट करना है तो दूसरा ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन मैनेज अकाउंट का, तो इसके अंदर आपको दोस्तों जाना है यहाँ पर क्लिक कर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आएगा, ईमेल डिलीट अकाउंट, तो हमें अपने अकाउंट को डिलीट करना है तो इसे डिलीट अकाउंट पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद डिलीट करने का यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है जो आपका अकाउंट फॉलो करेगा तभी जाकर अपने अकाउंट को डिलीट कर पाओगे। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर बताया गया अगर आपका अकाउंट हमें डिलीट हो जाए तो इस एप्लीकेशन के इंटरनल वैलेट में जो भी आपका टोकन है वो सब यहाँ पर हट जाएगा। जो भी आपने यहाँ पर वैलेट टास्क वगैरह आपसे पूरा किया हुआ है वो सारा कुछ यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से इरेज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप किस तरह के अकाउंट को आप डिलीट नहीं कर सकते हो, पार्टिसिपेट इन एन एक्टिव चैलेंज, यहाँ पर कोई एक्टिव चैलेंज में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है तब अपने अकाउंट को डिलीट नहीं कर पाओगे, उसी तरीके का यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपके अकाउंट को किसी ने रिपोर्ट किया हुआ है और आपका अकाउंट अभी पेंडिंग में है रिव्यू होने के लिए, तो ऐसे में भी आपका अकाउंट आप डिलीट नहीं कर पाओगे। अब नीचे आप देखो सब कुछ लिखा हुआ है कि सारा कुछ आपका वीडियो हट जाएगा, जो भी है सारा को डिलीट हो जाएगा, तो सब कुछ आपको देख लेना। देखने के बाद नीचे आपको डिलीट अकाउंट वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो इसी डिलीट अकाउंट पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर दोगे यहाँ पर देखो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। डिलीट अकाउंट पर फिर से आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, कोई चैलेंज वगैरह मेरे एप्लीकेशन में पेंडिंग चल रहा है इसलिए मैं अभी अपने अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर लिखकर आ गया है वी कांट डिलीट योर अकाउंट राइट नाउ, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं चल रहा होगा तो आपका यहाँ पर अकाउंट डिलीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने इस एप्लीकेशन कुछ ऐसा करा नहीं हुआ है, फिर भी मुझे ये इंटरफेस देखने को मिल रहा है, ये इस एप्लीकेशन का कोई एरर है जिससे अपने अकाउंट को डिलीट नहीं कर पा रहे हो। अगर दोस्तों इतना करने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पर डिलीट हो जाता है तब तो सही है, अगर आपका अकाउंट यहाँ पर डिलीट नहीं होता ऐसा आपको भी एरर दिख रहा है तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा किस तरह से ये एरर आने के बाद अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। हालांकि इस वीडियो मैंने बस यहाँ पर डिलीट करने का प्रोसेस आपको बताया हुआ है। तो अगर वीडियो को थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।